हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सन एंड मॉम्स फूड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सफेद भुनी हुई मटर, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस और यमी होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 2 कटोरी सफेद मटर को रात में भिगो लिया था। उसको हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम एक कुकर लेंगे और सारी मटर को कुकर में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 बड़े ग्लास पानी डालेंगे। हमें मटर के ऊपर तक का पानी का लेवल रखना है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और कुकर बंद करके 6 से 7 सीटी लगा लेंगे, जब तक हमारी मटर सही से गल नहीं जाती है। उसको चेक करने के लिए हम हाथों से चेक कर लेंगे कि हमारी मटर गली है कि नहीं। अब हम 1 कटोरी मटर निकाल लेंगे और उसको हम आपको भून के दिखाते हैं कि हम मटर को कैसे आपके लिए भून रहे हैं। मटर को भूनने में हम आलू, प्याज, टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी लेंगे, फिर उसमें हम 1/2 चम्मच हींग और फिर 1 चम्मच जीरा डाल के इसको चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याजों को भूनेंगे। जब हमारे प्याज हल्के से गुलाबी रंग के हो जाएंगे तब उसमें हरी मिर्च को हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसको चला लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हम इसको लेट से ढककर रख देंगे। थोड़ी देर बाद जब हम खोलेंगे तो देखेंगे हमारे टमाटर इसमें गले हुए हैं। इसमें इसको चला के हम 1 चम्मच लाल मिर्च डाल लेंगे, थोड़ी सी धनिया डालेंगे पिसी हुई जरा सी। उसके बाद हम आलू को डाल करके इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम बहुत थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे, क्योंकि हमारी मटर में नमक पड़ा हुआ है। फिर हम अपनी मटरों को इसमें डाल देंगे, इसको भून लेंगे। थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, अगर आप इसको थोड़ी सी पतला करके खाना चाहें तो थोड़ा सा पानी भी इसमें आप डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के मीठी चटनी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। हम इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए घर पे बनाएं और हमको हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।